ट्विटर पर आमने सामने कंगना और उर्फी, मुस्लिम हिंदू एक्टर्स पर बढ़ा विवाद। जानिए क्या है विवाद की पूरी जड़। कंगना रनौत की ट्विटर पर एक बार फिर वापसी हो गई है, जिसके बाद से ही वो लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन कंगना के एक ट्वीट का जवाब अपनी बोल्डनेस के लिए जाने जाने वाली बिग बॉस फेम उर्फी जावेद ने करारा जवाब दिया है, जिसके बाद दोनों के बीच ट्विटर पर तगड़ी बहस हो गई। दरअसल आपको बता दें कि कंगना ने शाहरुख खान की हाल ही में आई फिल्म पठान को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद उनके इस ट्वीट का उर्फी ने जवाब दिया। दरअसल कंगना ने पठान की सफलता को लेकर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि बहुत अच्छा एनालिस है, इस देश ने सिर्फ और सिर्फ खानों को प्यार किया है और अभी भी सिर्फ और सिर्फ खान ही है और मुस्लिम अभिनेत्रियों को लेकर पागल रहते हैं, तो भारत में नफरत और फासिज्म है, इसका आरोप लगाना बेहद गलत है, दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है। वहीं कंगना के ट्वीट के बाद उर्फी ने बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए लिखा, ओ माय गॉड, ये कैसा बंटवारा है, मुस्लिम एक्टर्स हिंदू एक्टर्स, कला धर्म में बटा हुआ नहीं है, यहाँ सिर्फ एक्टर्स हैं। मामला यही नहीं थमा, उर्फी के इस ट्वीट के कुछ देर बाद ही कंगना ने उन्हें जवाब दिया, हाँ मेरी प्यारी बहन उर्फी, ऐसा होता तो ये एक आदर्श दुनिया होती, पर ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ जाता, तब तक ये देश संविधान से ही बटा हुआ है और ये बटा हुआ ही रहेगा। चलिए हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2024 के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करते हैं, करें ना। दरअसल फिल्म प्रोड्यूसर प्रिया गुप्ता ने ट्विटर पर एक थिएटर के अंदर का वीडियो शेयर कर लिखा, जिसमें दर्शक थिएटर के अंदर नाचते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रिया ने लिखा कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, आपको पठान फिल्म की जबरदस्त सफलता के लिए बधाई। इस फिल्म से एक बात तो साबित होती है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शाहरुख को बराबर से प्यार करते हैं और बायकॉट विवाद ने फिल्म को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुँचाया है। तीसरा ये कि एरोटिका और अच्छा म्यूजिक भी काम आया। चौथा ये कि भारत सुपर सेक्युलर है। आपको बता दें कि इन दिनों हर तरफ फिल्म पठान की चर्चा हो रही है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम स्टारर इस फिल्म का बड़े स्तर पर विरोध हुआ, लेकिन कमाई के मामले में फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है और ये 5 दिन में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई दुनिया भर में कर चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।